नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीजे नी और आपका स्वागत है व्लॉग्स बाय नी चैनल पे। आज हमारा जो व्लॉग है, बेसिकली मेरा जो व्लॉगिंग सेटअप है उसके बारे में बताने के लिए आया हूं मैं। बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे, मेरा दूसरा एक और चैनल है जैसे मैंने बताया डीजे नी जो चैनल है उसमें बहुत लोगों ने मेरे को पूछा था कि यार मेरा व्लॉगिंग सेटअप क्या है, ये सब क्या है। तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ मेरा सेटअप एक्चुअली है क्या। अभी मेरा जो एक्चुअली मैंने एक रिंग लाइट लिया हुआ और रिंग लाइट पे मैंने आपको दिख रहा होगा मेरा शायद ग्लासेस में रिंग लाइट पे मैंने अपना कैनन G7X Mark II लगाया हुआ है और उसके ऊपर से मैं एक्चुअली अभी जो मेरा वोकल जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैंने एक जो साउंड कार्ड है बेहरेंजर UMC 22 का मेरे पास साउंड कार्ड है, प्लस उसके साथ मेरे पास एक माइक है टोवास टे का एक माइक है, बहुत ही सस्ता टिकाऊ माइक्रोफोन है, और एक मैंने आर्म स्टैंड लिया हुआ है उसके ऊपर मैं एक्चुअली अपना वोकल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। वीडियो के लिए डेफिनेटली मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि मैं कैनन G7X Mark II यूज़ करता हूँ, फिर उसके बाद जो स्क्रीन का जो रिकॉर्डिंग है मैं बेसिकली स्क्रीन फ्लो बोल के एक प्रोग्राम है फिल्मोरा का, तो मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। और दूसरा कभी कभी मैं OBS जो स्टूडियो है वो यूज़ कर लेता हूँ जैसे लाइव जाने के लिए। तो ये सब सेटअप नॉर्मली एक डेस्कटॉप है जो ऑफकोर्स जो ऑफिस में पड़ा हुआ था मेरा जो पुराना डेस्कटॉप था उसको मैंने अपग्रेड करके SSD लगा दिया। अभी भी इसका जो ग्राफिक कार्ड जो है थोड़ा पुराना है लेकिन फिर भी चल रहा है, इवन एडिटिंग के लिए भी बहुत फ़ायदा देता है। ये तो अभी दूसरा जो अगर सेटअप लूँगा तो बहुत सारा बहुत एक्चुअली महंगा पड़ जाता है वो, तो उसके कारण अभी फ़िलहाल मैं नॉर्मल एक सेटअप यूज़ कर रहा हूँ। प्लस मेरे पास दो टेबल के ऊपर जो है नॉर्मल एक क्या स्पीकर्स है, दो स्पीकर्स है जो बेसिकली मैं सुन सकता हूँ बाद में मेरे रिकॉर्डिंग के बाद। तो हाँ मैं आपको दिखा देता हूँ अभी बेसिकली अभी तो मेरा जो कैमरा है उसमें लगा हुआ है, तो मेरे को अपना मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को दिखाना पड़ेगा मेरा जो सेटअप है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ये छोटा सा सेटअप है, उसमें आप लोग भी अगर शुरू करना चाहते हो शुरू कर सकते हो, कम से कम में कैमरा का ज़रूरत नहीं पड़ता है, बेसिकली मोबाइल भी आप इसमें लगा सकते हो ये रिंग लाइट में जो है, क्योंकि मैंने जैसे पिछले बार बताया था आपको मेरा घर के अंदर जो है लाइटिंग अरेंजमेंट उतना ख़ास नहीं है, तो मुझे ये रिंग लाइट बहुत ही ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने ये रिंग लाइट जाके लिया था ड्रैगन मार्ट से जो हमारे इधर दुबई में सस्ता सामान मिलता है बेसिकली मेड इन चाइना का, तो उधर से मैंने ये रिंग लाइट लिया था और बाकी आपको दिखा देता हूँ। चलिए तो हाँ दोस्तों, ये जो मेरा रिंग लाइट जो मैंने बताया था आपको और उसके ऊपर से मैंने उस पर लगाया हुआ है G7X Mark II जो कैनन का है और उससे मैं अभी तक रिकॉर्डिंग कर रहा था वीडियो। और ये जो वोकल रिकॉर्डिंग जो था मेरा अडोबी ऑडिशन पे मैं कर रहा था जो है अपना जो बेहरेंजर जो साउंड कार्ड था, और यह मेरा स्ट्रीम डेक जो मैंने आपको दिखाया जो मैं यूज़ करने वाला हूँ मोस्टली मेरा जो लाइव सेटअप है उसके लिए ब्रॉडकास्टिंग के लिए, और ये है मेरा जो साउंड कार्ड है छोटा से छोटा सबसे सस्ता, और यह है मेरा वाइड एंगल व्यू जो मेरा सेटअप है टोटली, और आप देख सकते हो इधर ही बैठ के मैं आगे से जो भी है व्लॉगिंग जो करूँगा इधर से ही करूँगा मैं। तो हाँ अभी आपने जैसे देख लिया मेरा जो सेटअप है बहुत ही मिनिमल से मिनिमल सेटअप है, उसमें मैं एक्चुअली घर के अंदर बैठ के मैं व्लॉगिंग करता हूँ और एडिटिंग करता हूँ। अभी मैं ऑफिस में बैठ के ज़्यादा व्लॉगिंग और एडिटिंग नहीं करता बिकॉज काम भी कुछ ज़्यादा ही है, तो उसके कारण मैं ऑफिस में बैठ के ज़्यादातर नहीं करता हूँ। और जैसे मैंने बताया कि अभी हमारा स्टूडियो जो है शायद हम लोग शिफ्ट करेंगे, तो उसके कारण ये हफ्ता दो हफ्ता तक तो हम लोग थोड़ा बिजी रहेंगे, नहीं तो मैं अभी तक मेरा जो ऑडियो इंजीनियरिंग है और DJ जो कोर्सेज है प्लस जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्रोडक्शन का जो कोर्सेज है FL Studio के ऊपर और लॉजिक प्रो के ऊपर वो सब मैं उसके बारे में ब्लॉगिंग करता, अभी वो सेटअप एक्चुअली नहीं है उधर ज़्यादा, इसलिए मैं उसके बारे में ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूँ। तो आइए बात करते हैं दोस्तों, ये व्लॉगिंग बेसिकली इतना इम्पॉर्टेंट क्यों बन गया है मेरी ज़िंदगी में, बेसिकली मैं आपको बता ही देता हूँ। मैंने जब YouTube शुरू किया था मेरा पहला चैनल था वो है 2011 में शायद 11 या 2010 में, और तब से लेके YouTube चैनल पड़ा हुआ था, उस टाइम पर मैं DJing करता था और DJing करते करते थोड़ा बहुत मैं क्लिप्स डाल देता था और अच्छा लगता था। उस टाइम पे YouTube के बारे में मुझे ज़्यादा मालूम भी नहीं था और मैं क्लिप्स डालते रहता था, लेकिन बाद में पता चला यार उसमें मेरे को कॉपीराइट भी मिलता था, मुझे मालूम नहीं था इसके बारे में ज़्यादा कुछ,
फिर मैं अपना ओरिजिनल कंटेंट्स भी डालता था, जैसे कि मैं दोस्त लोगों के साथ गया या आज कहाँ डीजेइंग कर रहा था उसके बारे में, और प्लस मैं जो म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसके बारे में जब स्टूडियो हमने शुरू किया था। और उसके बाद स्लोली स्लोली मैं देखा यार मेरे व्यूज़ भी बढ़ने लगे, मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ने लग गए। फिर उसके बाद मैंने कभी बीच में मैंने 10-15 दिन 20 दिन मैंने अपना एक्वेरियम के बारे में बताया, मैं अभी थोड़ा एक्वेरियम फैनेटिक हूँ तो उसके बारे में बताया। फिर मैं देखा यार 20,000, 25,000, 26,000, 48,000 व्यूज़ सब आने लग गए कोई कोई टॉपिक के ऊपर। फिर मैं देखा थोड़ा बहुत इनकम भी आने लग गया उसमें, तो मैंने सोचा यार क्यों ना अभी ये रेगुलर कर ले, बिकॉज हमारे जो जिंदगी में थोड़ा पैसे भी इनकम आना बहुत अच्छी बात है। अभी देखो अभी हमें थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच हो रहा है, अगर मैं उस टाइम पे रेगुलरली करता शायद ये पैसा शायद मेरे बिजनेस पे भी मुझे हेल्प कर सकता था। अभी अनफॉर्चुनेटली उतना तो है नहीं, लेकिन ठीक है चल रहा है, हम लोग काट रहे ज़िंदगी और उसके ऊपर से हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके हम लोग सॉल्व करें ये इश्यूज़ को, जो हो जाएगा बहुत जल्दी उसके ऊपर। अभी जो है जैसे मैंने बताया आपको कि आप भी कुछ शुरू कीजिए ऐसे जिसमें आप लोग भी थोड़ा आगे जाके कुछ आपको किसी के सामने आपको हाथ फैलाना पड़े, क्योंकि ये जो है हम अपने ही बलबूते पे हम लोग करते हैं और इसके ऊपर क्या है मेहनत करना पड़ता है, मेहनत के बिना नहीं मिलेगा। और जब आप किसी से पैसा उधार ना ले कुछ भी ना ले, आपका जो है लाइफस्टाइल जो है थोड़ा और डिफरेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है और थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके ऊपर। तो ये जो है YouTube में जो है आप भी अपना थोड़ा टाइम लगाने का कोशिश कीजिए और बनाइए कुछ अपनी, हमारा जो पर्सनल लाइफ में व्लॉग्स है वो भी हम कर सकते हैं, हमारे बच्चों के बारे में, हमारे बारे में, हमारा हर आदमी का एक कुछ ना कुछ पैशन रहता है, वो पैशन के ऊपर बनाइए आप। जैसे कि अभी मेरा तो जो है ऑडियो इंजीनियरिंग हो गया, अभी अब मैंने अपना फैमिली के ऊपर भी ये जो व्लॉग चैनल है फैमिली के ऊपर है तो वो बना सकते हो आप। तो अभी मैं अपना बेटे का जो है मेमोरीज उसको एक्चुअली स्टोर कर रहा हूँ बेसिकली ये जो व्लॉगिंग जो है व्लॉग्स बाय न्यू चैनल पे, और दूसरा जो चैनल है उसमें पूरा मेरा बस मैं अपने जो स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ तो वो भी घर जाएंगे तो वो भी सीख सकते हो, और आप लोग भी जब ऑनलाइन रहते हो तो आप लोग भी सीख सकते हो जो मेरे तक नहीं पहुँच सकते, और मैं भी आप लोग से कुछ सीख सकता हूँ। तो हाँ दोस्तों ये मैं बता रहा था कि कुछ ना कुछ तो कीजिए, स्टार्ट कीजिए, आज ही कीजिए। YouTube एक ऐसा मीडियम है आजकल कि पहले की तरह नहीं, कॉम्पिटिशन ज़्यादा होने से भी अगर आप मेहनत करेंगे आप लोग कल के कल कुछ ना कुछ आप कमा सकते हो। मैं कल के कल मतलब ये नहीं बोल रहा कि कल के कल, हाँ एक दो महीने लगेगा, कभी कभी तीन, मैंने ये भी देखा है बहुत लोगों ने 3-4 महीने में ऑलरेडी 4,000-5,000 सब्सक्राइबर्स से ऊपर वो लोग बढ़ चुके हैं, बिकॉज वो लोग कंसिस्टेंट रह चुके हैं। तो वो कंसिस्टेंसी जब आप लेके आते हो और जब आपके जो फैन फॉलोअर्स है और जो सब्सक्राइबर्स है वो लोग आपको देखना चाहते हैं यार आज क्या हो रहा है ज़िंदगी में, और वो लोग भी थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं यार हाँ ये बंदा कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। नहीं तो आप मैं टिप्स दीजिए, कुछ ना कुछ टिप दीजिए जो आप जैसे करते हो, जैसे देख रहे हो ज़िंदगी में, सीख रहे हो कुछ भी ज़िंदगी में, उसके बारे में थोड़ा बहुत टिप्स दीजिए। तो जब दूसरे लोग को ये इन्फॉर्मेशन मिलता है फ्री में तो वो लोग को भी अच्छा लगता है यार हाँ ये तो कुछ फ़ायदे का चीज़ है, मैं कुछ सीख रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो लोग आपको सब्सक्राइब भी करेंगे और आपको देख के वो भी सीखेंगे कुछ, हाँ यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ, और आपको इज्जत देंगे। सबसे बड़ा चीज़ है इज्जत, इज्जत के बिना कुछ भी नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे लोग हैं, ऐसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, चाहे जितना अमीर आदमी हो या गरीब आदमी हो, सबको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होता है, लेकिन मेहनत के बिना कुछ भी नहीं आता। बहुत लोगों ने मुझे भी, जैसे मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा एक म्यूजिशियन हूँ, और उसमें थ्रू मेरे को बहुत लोगों ने ट्रस्ट किया है और उसके ऊपर से हमने ये बिज़नेस भी शुरू किया है। और उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि यार बिज़नेस नहीं चलता, कभी ऊपर कभी नीचे हो जाता है, लेकिन क्या होता है जब पैसे का मामला आता है तो बहुत कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे मैंने आपको बताया ये ब्लॉग मेरे ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ, जो ऊंच नीचे सब कुछ आप लोगों को पता चलेगा, पता चलना भी चाहिए सब लोगों को। ये नहीं कि यार हम अपना पर्सनल चीज़ें रखते हैं, हो सकता है शायद कल आप मुझे कुछ बोल के आप हेल्प कर सकते हो, मुझे मैं आपका एडवाइस ले सकता हूँ, मोटिवेशन ले सकता हूँ, तो ऐसे चीज़ें होता है। अभी भी हमारा स्टूडियो जो है बेसिकली हमने शुरू करके 10-11-12 साल होने को आ गया, अभी भी हम लोग चल रहे हैं, लेकिन दुबई का हालत अभी थोड़ा इतना अच्छा नहीं है कि हम लोग उसी पे ही स्ट्रगल करके सर्वाइव करें। तो एक्चुअली अगर आपको सेव करना है अपना बिजनेस या कुछ भी, आपको एक पैसिव इनकम भी चाहिए।
पैसिव इनकम बोले तो आप नौकरी कर रहे हो, अभी मैं तो दूसरा नौकरी नहीं कर रहा, तो इसलिए आई कैन नॉट पुट इन मोर मनी और कुछ कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली मुझे बाहर से बैंक से लोन लेना पड़ेगा, लोगों से इंटरेस्ट में लेना पड़ेगा, नहीं तो पार्टनर्स ढूंढना पड़ेगा मुझे, इन्वेस्टर्स ढूंढना पड़ेगा, जिसमें क्या है हमारा ही कंपनी हम लोग को दूसरे लोग के हाथ में देना पड़ेगा, तो ये सब बहुत मुसीबतों में हम लोग फंस जाते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि जैसे हर आदमी इस मोड और मीडियम से जाता है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसके हिसाब से आप भी अपना कुछ शुरू कीजिए। सिर्फ YouTube ही नहीं, आजकल मैंने देखा TikTok पे, Facebook पे और इवन Instagram पे भी पब्लिक सोशल मीडिया आज ऐसा हो गया कि यार यू कैन मेक मनी ऑन इट। लेकिन हाँ, उनको भी यही चाहिए कि आप मेहनत कर रहे हो, तो दोस्तों मेहनत कीजिए। और ये था मेरा छोटा सा एक सेटअप जिसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस इसके बारे में कैसे सेटअप करना है, नॉर्मल एक मोबाइल फ़ोन लीजिए, नहीं तो एक छोटा सा कैमरा लीजिए पॉइंट एंड शूट और शुरू कीजिए कुछ ना कुछ, और ब्लॉग्स डालते रहिए। एडिटिंग सीखना आजकल बहुत आसान हो चुका है, बहुत सारे चैनल्स पे एडिटिंग के जो ट्यूटोरियल्स भी मिलता है, तो सबसे सस्ता से सस्ता सॉफ्टवेयर भी लेंगे तो आपको एडिटिंग आप कर सकते हो। विंडोज़ में भी, विंडोज़ मूवी मेकर बहुत ही सस्ता सॉफ्टवेयर जो मिलता है, आजकल मोबाइल फ़ोन में भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर मिलता है। तो बस यही दोस्तों, शुरू कीजिए कुछ अपना यूट्यूब चैनल और मिलते हैं हम सब एक साथ यूट्यूब पे। थैंक यू। तो हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए और वो बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए। आप जब तक सब्सक्राइब और वो बेल आइकन को नहीं हिट करेंगे तब तक आपको मेरा नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा।